सौ खबर फटाफट के प्रायोजक हैं एक्वालाइट स्टाइलिश कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग और मुल्तानी कुका कप सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बीकेटी टायर ट्रैक्टर का सच्चा साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण सोमवार को एम्स भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य बुलेटिन में एम्स ने कहा कि वाजपेयी को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और किडनी संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए उनको भर्ती कराया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य जांच में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन निकला है। बुलेटिन में कहा गया कि वाजपेयी का उचित इलाज किया जा रहा है, उन्हें डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। एम्स में उनका सीसीयू में इलाज हो रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में चार विभागों की अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे हैं। बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी 2009 से ही व्हीलचेयर पर हैं। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस मानहानि मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन पर इस मामले में आरोप तय किए गए। सुनवाई के दौरान राहुल ने अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं। सुनवाई के दौरान जज ने बयान पढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस संगठन को बदनाम किया है, इसलिए उन पर इस मामले में 499 धारा के तहत ये अपमान है और धारा 500 के तहत ये दंडनीय भी है। संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। राहुल ने इस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। भिवंडी कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 15 से 20 बड़े लोगों की सरकार है, किसानों गरीब लोगों की बात इस सरकार में नहीं होती है। भिवंडी कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी मुंबई वापस आकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस करीब 15,000 बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। राहुल गांधी के मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से शाम 4 बजे मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में पूछताछ की है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चिदंबरम सुबह करीब 11 बजे निदेशालय के मुख्यालय पहुंचे थे। उन्हें आज का समन जारी किया गया था। उनसे पहली बार पूछताछ 5 जून को की गई थी। दिल्ली के एलजी हाउस में अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। आईएएस अधिकारियों की गैर कानूनी हड़ताल सहित कई मांगों को लेकर केजरीवाल धरने पर बैठ गए। केजरीवाल मांगे न माने जाने के बाद एलजी हाउस के वेटिंग रूम में धरने पर बैठ गए। दिल्ली में कांग्रेस की ओर से 13 जून को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। प्रणब मुखर्जी के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी नहीं बुलाया गया। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। यह हमला पुलवामा और अनंतनाग में हुआ। इस डबल अटैक में पुलवामा में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए। अनंतनाग में सीआरपीएफ के 10 जवान जख्मी हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सेना की ओर से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान की निवासी एक 25 वर्षीय युवती ने स्वयं बाबा दाती महाराज और उसके चेलों पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। युवती ने दिल्ली के फतेहपुर बैरी थाने में दाती महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर रामचंद्र बैंदा के निधन पर दुख जताया। सीएम ने कहा कि रामचंद्र का देहांत बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी रामचंद्र बैंदा जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। बीजेपी के पूर्व सांसद रामचंद्र बैंदा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव
देह को आज फरीदाबाद उनके घर लाया जाएगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खाबड़ा तला में बुधवार को किया जाएगा। रूपनगर जिले के रंगोली गांव में पिछले दिनों गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने दौरा किया और अपील करते हुए कहा कि गुरुद्वारा साहिबान की देखरेख पूरी मर्यादा के साथ की जाए। भिवानी के रहने वाले खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 93 किलो भार वर्ग में गोल्डन मेडल पर कब्जा किया और देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह का भिवानी पहुंचने पर शहरवासियों ने और खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। साइबर सिटी गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत गुरुग्राम में 100 मिनी सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जो शहर के गंदे पानी को टीप कर पौधों में देने का काम आएंगे। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर की माने तो इस मुहिम से भूजल स्तर भी बढ़ेगा। हाईवे पर अपराधों को रोकने और सड़क हादसों में घायलों को तुरंत मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से नई कार्य योजना के तहत रेवाड़ी में 6 ट्रैफिक पुलिस स्थापित किए गए हैं, ताकि महिला कॉलेज, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 11 महिला राइडरों की तैनाती की गई है। इन ट्रैफिक बूथों का उद्घाटन रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में दक्षिण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर CS राव ने किया। इस मौके पर डॉक्टर CS राव ने कहा कि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित काबलीवास बॉर्डर से जय सिंहपुर खेड़ा बॉर्डर तक सब ट्रैफिक बूथ स्थापित किए जाएंगे। फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने ESI को 5000 की रिश्वत देते हुए हाथों पकड़ा लिया। फरीदाबाद के सेक्टर 3 की पुलिस चौकी में मुंशी के पद पर तैनात ESI ने एक बाइक को छोड़ने के लिए पीड़ित से 5000 रुपए की रिश्वत ली। मामले की शिकायत विजिलेंस विभाग से की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने जाल बिछाया और पाउडर लगे लोगों के साथ ESI को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई में जुट गई है। बंगाल के छोटे से कस्बे तरावड़ी में रहने वाले नवदीप का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हो चुका है। नवदीप का भारतीय टीम में चुने जाने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल नवदीप को चोटिल मोहम्मद शमी की जगह टीम में शामिल किया गया है। नवदीप एक 30 गेंदबाज हैं और उनका चयन अफगानिस्तान से होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए हुआ है। इससे पहले नवदीप दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और IPL में भी बेंगलुरु की टीम में उनका चयन हुआ था, लेकिन किंग 11 में जगह नहीं मिली। अमृतसर के फूट मंडी में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के सहयोग से दबिश दी। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भी भरे। इस मौके पर आला अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हांसी के गांव मेहंदा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से गर्भवती महिलाओं की लिंग जांच करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। विभाग की टीम और पुलिस को आता देख दोनों आरोपी अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर भागने की प्राक में थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरगढ़ में माइनर टूटने से देवीलाल पार्क में पानी भर गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि माइनर को टूटे 2 दिन हो गए हैं और कोई भी अधिकारी मामले की सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से आ रही है।